नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम गहिरे और ऑल इन वन कंप्यूटर सॉल्यूशन में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हम जो है हमारा पेन ड्राइव जो है उसे बूटेबल कैसे बना सकते हैं ताकि हम हमारा पीसी जो है आसानी से फॉर्मेट कर सके पेन ड्राइव से। ओके, जो अगर आपका किसी कारण से या फिर किसी वजह से आपकी डीवीडी जो है बूट नहीं हो पा रही है और आप पीसी फॉर्मेट नहीं कर पा रहे हो तो आप घबराएगा मत दोस्तों। इस वीडियो में आप जानोगे कि हम जो है हमारा पेन ड्राइव बूटेबल कैसे बना सकते हैं और पेन ड्राइव से कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो है आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है WinToFlash। आप डेस्कटॉप पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर WinToFlash का जो सॉफ्टवेयर है मैंने ऑलरेडी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखा है। तो इसे डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप इस लिंक पर आ सकते हो। मैंने इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे दी है। आप उस पर क्लिक करके सीधा इस पेज पर आ सकते हो और यहाँ पर आपको दो सर्वर दिखाई दे रहे होंगे। आप इस पर क्लिक करके यहाँ वो सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और डाउनलोड करके आप जो है अपना सॉफ्टवेयर जो है उसे पीसी में जो है इंस्टॉल कर लीजिए और जो है उसका डेस्कटॉप पर जो है एक शॉर्टकट बन जाएगा। ओके, तो उसके बाद में आपको करना क्या है दोस्तों, आपकी जो बूटेबल डीवीडी है जो किसी कारण से बूट नहीं हो पा रही थी तो उसे आपको इंसर्ट करनी है आपके पीसी में, ओके, आपके डीवीडी ड्राइव में। तो इंसर्ट करने के बाद में दोस्तों आपकी डीवीडी यहाँ पर ओपन हो जाएगी जो बूटेबल डीवीडी है। ओके, उसके बाद में आपको जो है पेन ड्राइव भी इंस्टॉल करना है आपके पीसी में। ओके, लेकिन याद रखिए दोस्तों आपके पेन ड्राइव की साइज जो है आपके बूटेबल डीवीडी के साइज से ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो आसानी से उसमें फिट हो सके। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरी डीवीडी की साइज जो है वो है 2.38 GB। ओके, और पेन ड्राइव की साइज जो है वो है 3.73 GB। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। और जो है प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार जो है आपका पेन ड्राइव जो है उसे फॉर्मेट करना है। यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर मैंने पेन ड्राइव जो है मेरा फॉर्मेट कर लिया है। तो अभी मेरा पेन ड्राइव जो है रेडी है बूटेबल बनने के लिए। ओके, तो उसके बाद में आपको डेस्कटॉप पे जो WinToFlash का सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया था इसमें आपको उसे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी दोस्तों। तो आपको जो सॉफ्टवेयर जो है उसे फर्स्ट एक्टिवेट कर लेना है। आप इंटरनेट कनेक्ट करके आपके पीसी में नेट और इसे नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पर आपको एग्रीमेंट दिखाई देगा, इसे एक्सेप्ट करके आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपको जो है फ्री लाइसेंस करना है और नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर कुछ प्रोसेस होगी दोस्तों, आपका प्रोडक्ट जो है एक्टिवेट होगा। यहाँ पर सर्वर से कुछ कनेक्ट करेगा यह, उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ओके, तो बाद में आपके सामने इस तरीके की विंडो आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर राइट का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जो है नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर दो तरीके की जो है फाइल्स से आप जो है बूटेबल कर सकते हो दोस्तों, पेन ड्राइव बना सकते हो। तो फर्स्ट जो है आप देख पाओगे यहाँ पर आई हैव इंसर्टेड सीडी इनटू माय कंप्यूटर, मतलब कि जो आपके पास अगर डीवीडी होगी तो आप उससे भी कर सकते हो या फिर इंटरनेट से अगर आपने कोई आईएसओ इमेज डाउनलोड करके रखी है तो उससे भी आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिस आपके हिसाब से। मैंने यहाँ पर इंसर्ट करके रखी है डीवीडी, आप देख पाओगे। तो मैं यहाँ पर जो है सीडी सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में जो है वो विंडोज फाइल का पाथ लेगा, जैसे जो कि आपके डीवीडी है बूटेबल और यूएसबी ड्राइव का पाथ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेगा। आप देख पाओगे JFlash ट्रांसलेट 4GB यहाँ पर मेन ड्राइव पेन ड्राइव जो है उसने डिटेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर आप ध्यान रखिए डी जो है यहाँ पर पाथ मेरा नहीं है सही से, तो आपको यहाँ पर पाथ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप डीवीडी का देख पाओगे यहाँ पर जी मेरा पाथ है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करता हूँ, माय कंप्यूटर में जाता हूँ और यहाँ पर जो है ये सेलेक्ट करता हूँ डीवीडी और इसे ओके करता हूँ। तो आप देख पाओगे जी पाथ मेरा आ चुका है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर मेरी फाइल्स जो है कॉपी को लग जाएंगी दोस्तों, कॉपी होने के लिए यहाँ पर मेरी फाइल्स लग जाएंगी, कुछ जो है पेन ड्राइव में कॉपी होगी मेरी फाइल्स। तो इसे थोड़ा वक्त लगता है दोस्तों, तो मैं आपको वीडियो पॉज कर करके दिखाता हूँ। ओके, मेरी फाइल्स जो है पेन ड्राइव में कॉपी होनी हो रही है दोस्तों, इसे थोड़ा वक्त लगता है दोस्तों, इसलिए आप जो है 15-20 मिनट तक या फिर आधा घंटा भी लग सकता है, तो आप वेट कीजिए। जो आपके पीसी के स्पीड पर डिपेंड है दोस्तों, आपके पीसी की रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से वो कॉपी करेगा। अगर रैम वगैरह कम है तो आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, तो आप वेट कीजिए, मैं वीडियो आपको पॉज कर करके दिखाता हूँ यहाँ पर।
तो यहाँ पर दोस्तों हमारी पेन ड्राइव जो है वो बूटेबल बन चुकी है। उसके बाद में आपके सामने लास्ट में आपको एग्जिट कर देना है दोस्तों, ठीक, और इसे क्लोज कर देना है। तो आप देख पाओगे यहाँ पर पेन ड्राइव की साइज मेरी आप देख पाओगे, तो आप देख पाओगे उसके अंदर जो है मेरी पेन ड्राइव जो है बूटेबल बन चुकी है। तो हम इसे अभी रिमूव कर देंगे, ओके। तो इसके बाद में जो है आपको पीसी रिस्टार्ट करना है, आपकी जो पेन ड्राइव वो कनेक्ट रहने दीजिए, और आपको बायोस में भी कुछ सेटिंग करनी होगी। तो आइए मैं आपको बायोस की सेटिंग दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अभी आप देख पाओगे यहाँ पर जो है हमने बूटेबल पेन ड्राइव जो है हमारा वो बन चुका है, यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो अभी इसके अगली प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब जो है हम जो है हमारा जो पेन ड्राइव है उसे हम इंसर्ट करते हैं हमारे, ठीक है, हमने इसे इंसर्ट किया है और हम पीसी रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने पीसी रिस्टार्ट किया, आप देख पाओगे। तो हम जो है डिलीट बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड का, या फिर आप जिस बटन से बायोस का ऑप्शंस बूट मेनू ओपन होता है आप वो प्रेस करोगे, तो आपके सामने इस तरह की विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ओके दोस्तों। बायोस के ये ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। जनरली जो बटन होते हैं दोस्तों इसके होते हैं F2, F10 और F12, ओके। और जो है डिलीट बटन से भी ये कभी कभी ओपन होता है। तो मैं जो हूँ डिलीट बटन प्रेस करके इस बायोस के ऑप्शंस को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे एडवांस बायोस फ्यूचर का एक ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है, इसमें आपको एंटर होना है। इसमें एंटर होने के बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा हार्ड डिस्क ड्राइव्स, ठीक है। तो आपको इसमें एंटर करना है, मैं इसमें एंटर करता हूँ। और इसमें आपको दो ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे, एक जो होगा हमारा पेन ड्राइव होगा जो कि हमने अभी बनाया है बूटेबल वो, और एक जो है हमारी हार्ड डिस्क होगी। तो आपको यहाँ पर जो है कीबोर्ड के प्लस माइनस बटन है आपको उससे यहाँ पर चेंज करना है। जैसे कि आपको फर्स्ट ड्राइव जो है वो आपका पेन ड्राइव रखना है, तो मैं यहाँ पर प्लस का बटन प्रेस करता हूँ। तो फर्स्ट ड्राइव जो है मैंने पेन ड्राइव सेलेक्ट किया है हमारा जो कि बूटेबल है, और सेकंड ड्राइव जो है हमारा साटा है, मतलब कि जो हमारी हार्ड डिस्क है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा F10 टू सेव, तो हम F10 का बटन प्रेस करते हैं और सेव करते हैं F10 एंड ओके। और हम जो है कीबोर्ड का कोई की यहाँ पर प्रेस करते हैं, तो हमारा पेन ड्राइव से जो है हमारी फॉर्मेटिंग की प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो जाएगी। विंडोज सेटअप यहाँ पर आपको एंटर करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है फॉर्मेटिंग की प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। मैं ये लाइट ऑफ कर देता हूँ फिलहाल के लिए आपको दिखाने के लिए, आप क्लियरली देख पाओगे आप। तो जो हमारा बूटेबल पेन ड्राइव था वो यहाँ पर बूट हो चुका है दोस्तों, विदाउट सीडी के हम फॉर्मेट कर रहे हैं हमारे पेन ड्राइव से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है फॉर्मेटिंग की। तो दोस्तों आपके सामने इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है, ओके। तो यहाँ पर आपका जो है सेटअप स्टार्टिंग हो जाएगा दोस्तों, इसकी थोड़ी प्रोसेस होती है तो थोड़ा वक्त लेगा यहाँ पर। तो उसके लिए मैं अभी फिलहाल के लिए वीडियो जो है पॉज करता हूँ, ओके। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप में आपके सामने इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी, आपको यहाँ पर जो है एग्रीमेंट साइन करना है, मतलब यहाँ पर जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है इसे मार्क करना है और ये नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर कस्टम के बटन पे क्लिक करना है, कस्टम का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर जो है आपको सी ड्राइव सेलेक्ट करना है जो आपका सी ड्राइव होगा, और यहाँ पर ड्राइव के ऑप्शन में आना है और आपको फॉर्मेट पर क्लिक करना है, ताकि सारा डेटा आपका जो डेटा होगा वो सी ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा, और ओके कर देना है। ओके करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका ड्राइव जो है सी ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा, और उसके बाद में इस वाले ड्राइव को सेलेक्ट करना है जो आपका सी ड्राइव है, आपने जिसको फॉर्मेट किया है अभी वो, और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है ताकि उस पर जो है फाइल्स कॉपी हो जाए हमारी, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ।
इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके आपकी जो विंडोज़ की फाइल्स है वो आपके हार्ड ड्राइव में कॉपी होना शुरू हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा वक्त लगता है दोस्तों, इसलिए हम वीडियो पॉज करते हैं। ओके, यहाँ पर विंडोज़ की फाइल जो है एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गई है दोस्तों, आप देख पाओगे यहाँ पर सामने कॉपी होना यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। पर विंडोज़ की फाइल्स जो है सारी कॉपी हो चुकी है। अभी इंस्टॉलिंग फीचर्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, इंस्टॉलिंग अपडेट्स ये भी हो चुका, अभी कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। अभी यहाँ पर आपको रिस्टार्ट होगा आपका पीसी, या फिर यहाँ पर आपको रिस्टार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना और आपका पीसी जो है रिस्टार्ट होगा दोस्तों। ओके, मेरा पीसी रिस्टार्ट हुआ है यहाँ पर। इसके बाद जो है दोस्तों आपका पीसी फिर से रिस्टार्ट होगा, फिर से ये प्रोसीजर चालू होगी। यहाँ पर आपका पीसी रिस्टार्ट होगा और जो सेटअप है वो कंटिन्यू होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर वो वीडियो परफॉर्मेंस चेक करेगा आपके पीसी की सिस्टम का। यहाँ पर आपको पीसी का नेम देना है दोस्तों, और नाम टाइप करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हो या फिर सीधा नेक्स्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्किप करना है और यहाँ पर आस्मी लेटर करना है, इसे नेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी जो है वो पीसी जो है आपका फॉर्मेट हो जाएगा। आप देख पाओगे मेरा पीसी जो है फॉर्मेट हो चुका है। तो दोस्तों, इसी तरह की मोर वीडियोस पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की मोर वीडियोस आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड रिमूव दिस पेन ड्राइव। ओके,